हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम ज़बरदस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपनी अपनी लाइफ में जहाँ पर भी होंगे मस्त तरीके से एफर्ट दे रहे होंगे अपने ड्रीम्स के लिए, अपने एस्पिरेशंस के लिए, अपने गोल्स के लिए। और यही हमारा आज का सेशन, डोंट बी अ मे बी। क्यों सर, मैं ऐसा समझा नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, जो भी चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ या जितना भी मैं बिज़ी हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, सिर्फ बिज़ी होना काफ़ी है क्या? जिम रॉन साहब ने इसी को कहा, लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट टू एंड हाउ टू, एंड वी शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ। जिंदगी में दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है ना। मुझे क्या चाहिए और उसके बाद जो मुझे चाहिए वो मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। एक वाइट पीस ऑफ पेपर लीजिएगा, अपने स्टडी टेबल में बैठिएगा और उसमें लिखिएगा, व्हाट इज माई वाई। मैं जो भी चाहता हूँ वो क्यों चाहता हूँ, अगर मुझे अचीव नहीं कर पाया, नहीं मिला मुझे, तो क्या वो वाई इंपॉर्टेंट है यार। सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। सर्च इंपॉर्टेंट है उस सक्सेस की। अल्टीमेटली हमको लाइफ में ना यार वो मिल ही जाता है जो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है, व्हेन द पाथ कॉल्स योर नेम यू शुड वॉक। और यही चीज़ है, द माउंटेन्स आर कॉलिंग। आप बोलेंगे सर अगर ये इतना आसान है, अगर हर एक को अचीव कर सकता है, तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? फिर सभी लोग कर लेते ना अगर इतना आसान होता तो। यार ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इसी चीज़ को अपन इस तरह से रखें क्या, वॉट एवर माई इनएविटेबल रियलिटी ऑफ लाइफ इज राइट नाउ। जो भी मेरी ज़िंदगी का यथार्थ है अभी, जो भी प्रेजेंट सेट ऑफ स्किल्स है मेरी, मैं जहाँ पर भी हूँ अभी, चाहे वो स्किल्स कम है या ज़्यादा है या नहीं है, क्या अपने लिए अपन ये रखें, आई एम द प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ। अपनी ज़िंदगी को एक प्रोजेक्ट बनाए थे, और उसके लिए चाहिए आपको आपका मिशन, आपको आपका विजन। इफ़ यू आर द प्रोजेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो जो भी मेरा स्किल सेट्स है मैं उसको इम्प्रूव करूँगा ना यार। जो भी मेरा अभी करंट, अभी मैं सिर्फ अगर डिज़ायरिंग हूँ तो मैं डिज़र्विंग अपने आप को बनाऊँगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर ये इतना आसान है क्या? यार मुझे वो नहीं पता आसान है क्या नहीं। इसलिए शायद ये कहा जाता है, इन द बिगिनर्स माइंड सेट देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ऑन द कॉन्ट्ररी इन द एक्सपर्ट्स माइंड देर आर अ फ्यू। जब हम लोग बिगिनर होते हैं ना, तब हमको ये भी नहीं पता होता कि हर्डल्स क्या होते हैं, बट वो हर्डल्स आपको ग्रेजुअली इम्प्रूव ही करवाते हैं, वो हर्डल्स आपको ग्रेजुअली बेटर ही बनाते हैं। सर तो बाकी क्यों नहीं करते, मैं समझा नहीं। एक लाइन बोलता हूँ, थोड़ा सा आपको ग्रिम लगेगी ये लाइन, नॉट एवरीवन रियली लीव्स। मोस्ट ऑफ अस वी कंफ्यूज मूवमेंट विद अचीवमेंट। हम में ज़्यादातर लोग सिर्फ मूवमेंट और अचीवमेंट में ही बीच में फंसे रह जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, डोंट जस्ट बी बिजी, वी नीड टू बी प्रोडक्टिव। हम सब कभी ना कभी सिर्फ बिजी रहते हैं, लेकिन अगर वो दिन खत्म होगा और सोचेंगे ना कि इस पूरे 24 घंटे में इतना बिजी था, मैं प्रोडक्टिव किस चीज़ में था, देन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट। डोंट जस्ट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव। सर अगर ऐसा है तो मैं भी कल से प्रोडक्टिव हो जाता हूँ, तो मैं फिर रोकता कौन है? मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो हमको शायद रोकती हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास्ट के अनुभव। मैंने पास्ट में कुछ डिसीजन लिया, फ्लॉप हो गया, या मेरे अनुभव अच्छे नहीं रहे, मैंने उससे डिड्यूस किया और आज तक मेरा डिसीजन मेकिंग अफेक्टेड होता है। प्री ऑक्यूपेशन कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। दूसरी चीज, इसी चीज पे मैं इनफैक्ट आपसे ये कहना चाहूंगा, ऑलवेज ट्रीट योर पास्ट एज स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस। चाहे आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया वो अच्छा था या नहीं था, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। किसी कार्य की असफलता उस कार्य की असफलता है, जरूरी नहीं कि वो एक इंसान एक फेलियर है। ओके, तो और कोई चीज़ है सर? देखिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी को दूसरों का, अपने आसपास के लोगों का, सोसाइटी का एक्रेडिशन और एफिलिएशन चाहिए होता है। कहीं ना कहीं ऐसा है दैट वी आर द प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। मैं आपको एक बात आता हूँ, नेवर डिपेंड अपॉन एक्रेडिशन, एफिलिएशन, एडमिरेशन ऑफ समवन एल्स। इट हैज़ नो स्ट्रेंथ, इट हैज़ नो पुल पावर। पर्सनल मेरिट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अगर आप पर्सनल मेरिट भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज से डिराइव करेंगे तो कहाँ से वो विल बनेगा, आप बताइए। तो सर फिर करूँ क्या, ये बताइए। एक वर्ड होता है कार्पे डीएम, CARPEDIUM, कार्पे डीएम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वॉट एवर टाइम आई एम डन विद, जो भी मेरा जिंदगी का समय जा चुका, आई एम डन एंड डस्टेड विद दैट, दैट्स फाइन, चलेगा। मेरे पास जो भी है ना वो अभी प्रेजेंट है। इसी को एकार्ट टोल साहब बोलते द पावर ऑफ नाउ। और फ्यूचर के लिए मैं प्लान करके आज एफर्ट दूंगा, और इसी को बोलते हैं कार्पे डीएम। कार्पे डीएम का मतलब है सीज द डे। कन्विक्शन नीड्स करेज। यहां से डिसाइड कीजिएगा कार्पे डीएम। आज के पहले तक का जो भी समय था मैं अपने सपने के लिए, अपने विजन के लिए, अपने एस्पिरेशन के लिए ईमानदार था या नहीं? अगर नहीं भी था तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं ईमानदार बनूंगा एंड आई विल नेवर बी अ मे बी। अगर मैंने सोचा है मैं एफर्ट दूंगा, इफ मैंने अपने लिए सोचा है आई विल बी द प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ, तो अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा। एंड लिखिए कॉमेंट बॉक्स में आखिरी लाइन, डोंट बी अ मे बी। यही आज का सेशन मैंने सोचा आप लोगों से रखता हूं, क्योंकि अभी आप लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं। हो सकता है कई बार आपको डाउट होता होगा कि सर समझ नहीं पा रहा हूं, सर मेरे पास टाइम बचा है नहीं बचा है, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, पढ़ने कई बार मन करता है नहीं करता होगा। मत सोचिएगा, जो भी प्रेजेंट है मस्त से पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए।